नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। हिमाचल और गुजरात में बीजेपी की जीत पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भले ही बीजेपी को बधाई दे दी, लेकिन उनकी सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को मोदी की जीत रास नहीं आई है। फारूक अब्दुल्ला मोदी की आलोचना करते करते देश को धमकाने पर उतर आए। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि ऐसे ही धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर बांटकर देश में चुनाव जीते जाते रहे तो भारत का अंत नजदीक है। यह देखने की बात है कि कांग्रेस का अपने सहयोगी अब्दुल्ला के इस बयान पर क्या कहना है। लोकतंत्र में हार जीत एक सामान्य प्रक्रिया है और देश में आए दिन कोई ना कोई चुनाव होता है। हर साल कुछ राज्य चुनाव में जाते हैं, कोई ना कोई पार्टी हारती ही है। क्या इसका मतलब यह है कि देश के टूटने की भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी जाए? सत्ता से बाहर होने के बाद फारूक अब्दुल्ला अपने कई बयानों के लिए सवालों में रहे हैं। हमारा आज का सवाल है कि मोदी के नाम से आखिर देश को क्यों डरा रहे हैं फारूक अब्दुल्ला? क्या अब्दुल्ला कांग्रेस के मन की बात कह रहे हैं? लोकतंत्र में हार जीत से क्या देश खत्म हो जाता है? मोदी को धर्म की राजनीति पर घेरने वाले फारूक अब्दुल्ला क्या खुद कभी धर्म की राजनीति नहीं करते? राजनीतिक मतभेदों में आखिर देश हित की बलि नेता क्यों चढ़ा देते हैं? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर। अगर हमने इलेक्शन जीतना है झूठ बोल के और लोगों को बांट के, धर्मों को बांट के, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का अंत आने वाला है। अगर हमने इलेक्शन जीतना है झूठ बोल के और लोगों को बांट के, धर्मों को बांट के, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का अंत आने वाला है। अगर हमने इलेक्शन जीतना है झूठ बोल के और लोगों को बांट के, धर्मों को बांट के, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का अंत आने वाला है। फारूक अब्दुल्ला फिर गुस्से में है। इस बार उनके निशाने पर है सीधे पीएम नरेंद्र मोदी, जिन्होंने गुजरात चुनाव के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर मणिशंकर अय्यर के घर पाकिस्तानी राजनयिकों के साथ गुपचुप बैठक करने का आरोप लगाया था। सुनिए पीएम का वो बयान और उस पर फारूक का जवाब। उपराष्ट्रपति अने भारत ना भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आम मणिशंकर ना घरे मीटिंग मिली। मनमोहन सिंह जी पर ये आरोप लगाते हैं या जो वहाँ थे कि वो पाकिस्तान की साजिश में थे। मैं समझता हूँ, मुझे बहुत अफसोस है अगर ये भारत बना रहे हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री, साबिक प्रधानमंत्री पे शक लगाया जाए, तो मैं समझता हूँ ये भारत के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। भारत एक बुराई की तरफ जा रहा है और अगर हमने इलेक्शन जीतना है झूठ बोल के और लोगों को बांट के, धर्मों को बांट के, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का अंत आने वाला है। लगे हाथों फारूक ने पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे पर भी सवाल खड़े कर दिए। वो खुद पाकिस्तान में खाना खाने खुद गए थे, तो जब वहाँ खाना खाया उन्होंने, तो फिर क्या उन्होंने साजिश की उनके खिलाफ जब खाना खाया? पाकिस्तान कोई साजिश नहीं करता है। पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर फारूक अपने बयानों से पहले भी सरकार को नाराज कर चुके हैं। इस बार तो उनके निशाने पर सीधे पीएम हैं, लिहाजा प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। हालांकि कांग्रेस को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, विपक्ष सरकार पर असहनशीलता, नफरत, धार्मिक भेदभाव फैलाने का आरोप लगाती रही है। क्या फारूक ने नए सिरे से फिर उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया है? दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। तो क्या फारूक अब्दुल्ला की बात ही कांग्रेस के मन की बात है? हमारे साथ बात करने के लिए दंगल में आज चार मेहमान होंगे। कांग्रेस से हरीश रावत हमारे साथ होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से इमरान नबी डार हमारे साथ होंगे, बीजेपी से शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं और राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वैसे आरएसएस के जानकार हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, मैं शुरुआत आपसे करता हूं आज बजाय बीजेपी के। क्या फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के ही मन की बात कर रहे हैं और क्या इस देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को यह भविष्यवाणी करना शोभा देता है कि देश का अंत आने वाला है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। फारूक अब्दुल्ला ने जो आज कहा है वह वही कहा है जो मणिशंकर अय्यर के घर पर लोग बैठ के जम्बारा कर रहे थे। आज ये साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी उस बात में सत्यता थी। आज फारूक अब्दुल्ला वही बात कर रहे हैं जो शेख अब्दुल्ला कह रहे थे, भारत का अंत हो जाएगा। कौन सा डीवीजी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं?
डिवाइजी पॉलिटिक्स तो तब हुआ, विभाजनकारी पॉलिटिक्स तो तब हुआ जो कश्मीर में उनके रहते हुए कश्मीरी पंडितों को वहां से बाहर कर दिया गया। क्या वो देश की एकता और अखंडता की राजनीति थी? और गुजरात के मैंडेट का यह अपमान करना, वहां जातिवादी लोगों को इकट्ठा कांग्रेस कर रही थी, जातिवादी ध्रुवीकरण कांग्रेस ने 30 साल बाद गुजरात में फिर से कर दिया, जो बिहार उत्तर प्रदेश के जातिवादी राजनीति को गुजरात में इंपोर्ट कर दिया, उस कांग्रेस को वो मुहर लगा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं रोहित जी, इस चुनाव में जो लोगों का स्टेक नहीं था, इसमें फारूक हो गए, ममता बनर्जी हो गई, ये तमाम लोग एक बड़ी गिद्ध निगाह से गुजरात चुनाव में इस भगवान से ये मन्नत मांग रहे थे, या अल्लाह से मन्नत मांग रहे थे, या ईसा मसीह से मन्नत मांग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाए। उनका मकसद यह नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी कहां से एक राज्य निकल जाए। एक बड़ी साजिश थी पूरे देश में डिस्टेबलाइजेशन के लिए डिस्कोर्स और एक्शन। आप देखते हैं, अगर गुजरात में कल कांग्रेस की सरकार बन गई होती तो आप दिल्ली की सड़कों में, दिल्ली के बड़े बड़े अखबारों में जिसमें सुडो सेकुलर का तमाम जम्बारा है, कुछ न्यूज चैनल्स में यह एक बड़ा अभियान चलता कि इस देश में नरेंद्र मोदी को जाने का मैंडेट आ गया है और दो साल तक यह सरकार को चलाने में कठिनाई पैदा करते। इसका लाभ किसको मिलता? पाकिस्तान को मिलता है। आखिर पाकिस्तान के अखबारों को देखिए, गुजरात चुनाव के बाद पाकिस्तान के दो अखबारों ने कहा नरेंद्र मोदी ने धर्म को उपयोग करके गुजरात को धर्म के आधार पर पोलराइज करके चुनाव जीता है। आज जो जो पाकिस्तान के अखबार कह रहे हैं, वो टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं बोल रहा है, वो इंडियन एक्सप्रेस नहीं बोल रहा है, वो हिंदुस्तान टाइम्स नहीं बोल रहा है। तो फारूक अब्दुल्ला जब पाकिस्तान का अखबार पढ़ेंगे, पाकिस्तान से संबंध रखेंगे, और जब हमें उन्हें पाकिस्तान से संबंध का आरोप लगाएंगे, तब हम पर आरोप लगेगा कि आप हर किसी को पाकिस्तानी कहते हैं, वो किसकी जुबान बोल रहे हैं। ठीक, आज पाकिस्तान का अखबार कहता है कि डिवाइजी पॉलिटिक्स के आधार पर नरेंद्र मोदी शासन कर रहे हैं। एक बात कह दूं, देखिए एक जो प्रचारित किया जा रहा है गुजरात चुनाव से इतर, एक लंते अंतिम शब्द में कह दूं कि मेजोरिटेरियन रूल भारत में चल रहा है, हिंदू मेजोरिटेरियन रूल चल रहा है। आज फारूक अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, तमाम लोग, कांग्रेस के लोग इसी दुष्प्रचार को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर रख रहे हैं जो भारत के लिए हित में नहीं है। ठीक है, हरीश रावत जी, कांग्रेस के मन की बात कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, आपको भी लगता है कि मोदी जीतेंगे तो देश कहां तो जाएगा, खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा? फारूक अब्दुल्ला जी हमारे स्पोक्समैन नहीं है, और फारूक अब्दुल्ला जी यदि आज यूपीए के हिस्सा हैं, वो कभी जो है एनडीए के भी हिस्सा रहे हैं, उन भाजपा के साथ भी वो सरकार में साझेदार रहे हैं। यदि उनके बयानों के लिए भाजपा साझेदार नहीं हो सकती है, तो कांग्रेस से क्यों आप उनके बयानों के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, या उसके लिए हमसे क्यों बात करना चाहते हैं? ये जब देखिए, भाजपा को जब जो सूट करता है वो अच्छा हो जाता है, वो उनको देश के हित में दिखाई देता है, और जब गुजरात चुनाव में उनको पाकिस्तान सूट करता था तो उन्होंने फौरन अपना पिच बदला और पाकिस्तान पर आ गए, पाकिस्तान को लेकर के सवाल उठाने लग गए, यहां तक कि दूसरे लोगों ने जिन्होंने देश के लिए सर्व कुछ निछावर कर दिया, जिनकी निष्ठा पर शंका उठाने में आदमी को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे लोगों की निष्ठा को भी संदेह के दायरे में लाने की कोशिश की ताकि चुनाव के अंदर फायदा हो सके। देखिए, ये भाजपा का अपना दृष्टिकोण है, वो राजनीति को किस स्तर तक लेकर के जाना चाहते हैं, कांग्रेस उस स्तर पर राजनीति नहीं करती, कश्मीर आदि विषयों पर, देश की सीमा के विषयों पर, पड़ोसियों के विषयों पर हमारी सुविचारित नीति है, देश की निर्धारित नीति जो है, जो स्थापित नीति है, वही कांग्रेस की नीति है, वही हमारी मान्यताएं हैं, हम कोई भी ऐसा काम जो देश की सीमाओं को कमजोर करता हो, जो कोई भी ऐसा काम जो देश हित को कमजोर करता हो, हम उन चीजों के साथ नहीं है। ठीक है, मगर हम ये चाहते हैं कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों के अंदर सत्ता में बैठने वाले लोग वही संयम बरतें जो संयम की वो दूसरों से अपेक्षा करते हैं। ठीक है, शाहनवाज हुसैन दीजिए जवाब उनकी बात का। देखिए, हरीश रावत साहब बहुत सीनियर आदमी हैं और उत्तराखंड से आते हैं जहां देशभक्ति की बयार बहती है, पूर्व फौजी बड़ी तादाद में वहां पर रहते हैं, और फारूक अब्दुल्ला के बयान से किसी भी कांग्रेस के नेता ने अपने को किनारा नहीं किया, बल्कि फारूक अब्दुल्ला वही भाषा बोल रहे हैं जिस तरह की भाषा कई कांग्रेस के नेताओं ने बोला है कि अगर बीजेपी जीती तो देश खत्म हो जाएगा,
ये देश रहेगा, ये देश कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे विचार रखने वाले आएंगे और जाएंगे, लेकिन ये देश रहेगा। ये कह देना भारतीय जनता पार्टी की जीत से इतना हसद, इतना जलन, अगर कल कांग्रेस कुछ सीटें ज्यादा हमसे जीत जाती और सरकार बन जाती तो राकेश जी ने सही कहा कि पूरे देश में जितना हमारे खिलाफ चर्चा होती उससे ज्यादा हमारा पड़ोसी खुश होता, क्योंकि वो भारत में किसी को भी स्टेबल नहीं देखना चाहता। पाकिस्तान के लोग भारत में भारत की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सबक सिखाया है, पाकिस्तानियों के दिल में डर पैदा किया है, आतंकियों के दिल में दहशत पैदा की है। उनको मालूम है कि पाकिस्तान जब आतंकी कश्मीर में भेजता है तो नरेंद्र मोदी जी और यहाँ की सेना उसके माथे पर मौत लिख देती है, और जो पाकिस्तान कश्मीर की नफरत के वजूद पर खड़ा है वो चाहता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, जो मुल्क से मोहब्बत करने वाली पार्टी, वो कमजोर हो। ठीक है, तो हम उसके खिलाफ बोलते हैं तो उसके बचाव में फारूक साहब क्यों आते हैं? हमारा, अगर आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान को खींच कर लाते हैं, लेकिन फारूक साहब ये कह देते हैं कि ये पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये भारत के बाप का नहीं है, क्यों नहीं रिश्ता तोड़ लेते? मनीष शंकर अय्यर जी को तो आप पार्टी से निकाल देते हैं, सस्पेंड करते हैं, निकालते नहीं। और आप फारूक अब्दुल्ला जी आपके एलाइज हैं, उनके लड़के, ऐसे उनके लड़के उमर अब्दुल्ला जी ने तो पहले ही कह दिया था 2019 भूल जाए, लेकिन आज फारूक अब्दुल्ला के बयान ऐसे क्यों आते हैं? क्या अगर कोई इल्जाम पाकिस्तान पर लगता है तो उसकी तर्जुमानी पाकिस्तान के पास स्पोक्स पर्सन नहीं है? ठीक है, पाकिस्तान के पास तर्जुमान नहीं है। ओके, पाकिस्तान खंडन करे। ओके, फारूक अब्दुल्ला कौन होते हैं? ओके, खंडन करने वाला नहीं, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। ओके, आप भारत के नागरिक हैं, ठीक, तो भारत का पक्ष रखना है। ठीक, बीजेपी से जवाब दे रहे हैं आपकी बात, लेकिन हरीश रावत जवाब दीजिए, उसके बाद राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की बात सुनवाते हैं। देश का अपमान मत कीजिए। हरीश रावत बोलिए। जी, जब जब मुफ्ती मोहम्मद ना महबूबा मुफ्ती उसी तरीके की बातें करती हैं, तब भाजपा जवाब नहीं देती है, कहती है उनकी बातों के लिए हम जवाब दे नहीं है। और देखिए, ये जो पिक एंड चूज की राजनीति है, ये भाजपा की है। कांग्रेस एक सिद्धांत की राजनीति करती है, हमारी एक स्टैंड साफ है कश्मीर के विषय में, देश की सीमाओं के विषय में, देश के सुरक्षा के सवालों पर, पाकिस्तान के सवालों पर। आप हमारे मुंह में शब्द नहीं डाल सकते हैं। उत्तराखंड को अपनी गौरवशाली परंपरा पर गर्व है, और आज भी शायद ही कोई महीना जाता है जब कश्मीर की धरती पर हमारा एक लाल, हमारा एक बेटा शहीद नहीं हो रहा है। और मैं जो आपके सामने बैठा हूं, मैंने स्वयं कश्मीर में अपने दामाद को खोया है, अपने कुछ नजदीकी रिश्तेदारों को खोया है, मगर कश्मीर हमको उतना ही प्यारा है जितना किसी और को प्यारा है। फारूक अब्दुल्ला भी इतने प्यारे हैं। कश्मीर के सवाल को उठा करके दूसरों के ऊपर संदेह जारी करे, ये कोई फारूक अब्दुल्ला महमूदा मुफ्ती का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है, कश्मीर का सवाल है। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर टीवी की बहस के जरिए चीजों के फैसले नहीं होते। हरीश रावत जी, लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दों को सरकार बनाई थी, चलाई थी। हरीश जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूं। राकेश सिन्हा जी, बातों को ये कहकर टाला जा सकता है कि टीवी की बहस के मुद्दों पे बात नहीं हो सकती, जबकि ये लोग खुलेआम टीवी पे बोलते हैं। मैं राकेश जी हूं या कोई और हूं, मैं एक बात उनसे साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों के मुद्दे को आप राज्यों के चुनाव में लेकर के जाएंगे, घसीटेंगे, राजनीति में घसीटेंगे, तो और छोटी जो गली मोहल्ले की बहस है उसमें घसीटेंगे। ये राष्ट्रीय अस्मिता के सवाल हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के सवाल हैं, अपने राज्य के देश के हिस्से के एक लोगों के से जुड़े हुए सवाल हैं। उन सवालों पर उसी गंभीरता से करिए जो देश के लिए जरूरी हो, और राजनीति के लिए ऐसे मुद्दों का इस्तेमाल न करिए। और होना ये चाहिए कि हमारे मीडिया के दोस्त हैं, दूसरे दोस्त हैं, उनको भी भाजपा को यह सीख देनी चाहिए कि आप ऐसे मुद्दों पर
भावना को उछाल करके यदि राजनीति करना चाहेंगे तो उससे अनंतोगत्वा इन मुद्दों को सुलझाने में सहूलियत नहीं होगी, कठिनाइयां पैदा। ठीक है शाहनवाज, आप पहले जवाब दे दीजिए उनकी बात का, फिर मैं राकेश सिन्हा के पास आ रहा हूँ। बोलिए शाहनवाज जी। थैंक यू जी। जी मैं हरीश रावत जी से कहना चाहता हूँ, क्या आप फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान की मजम्मत करते हैं? क्या उनके बयान की निंदा करते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि देश का अंत हो जाएगा? क्या आप हम जिस तरह मणिशंकर शंकर अय्यर पर आपने कदम उठाया, इस बात की तो क्या आप इस बात फारूक अब्दुल्ला को यूपीए से अलग हो जाना चाहिए ऐसी कोई घोषणा करते हैं, या सिर्फ कहेंगे फारूक अब्दुल्ला को आपने अपने गठबंधन का हिस्सा क्यों बनाया? नहीं, इस देश के अंदर क्या सवाल करने का हमारे अधिकार साथ केवल थे तो भारत माता की जय करते थे, हमारे साथ थे तो गए थे, वो गए थे पोखरण अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, जब हमने परमाणु परीक्षण किया था तब वो भारत माता की जय करते थे, वंदे मातरम कर गाते थे। जब हमको नहीं याद है, जब इंदिरा जी ने पोखरण में विस्फोट करवाया था अणु का, उस समय फारूक अब्दुल्ला ने उसका स्वागत किया था। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं। और जब 1971 की लड़ाई में भी फारूक अब्दुल्ला अटल जी के साथ कॉन्फ्रेंस गए थे, देश की स्टैंड के साथ खड़े हुए थे, हमारे साथ जब इन बातों को क्यों 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 कहते वो अटल जी के साथ पोखरण, आपकी सोहबत में साथ पोखरण गए तो ऐसी बहकी बहकी बात वो क्यों कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं सर, एक सेकंड, आप दोनों को रोकते हुए मैं एक बार प्रोफेसर राकेश सिन्हा को चर्चा में लाऊं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, इन दोनों नेताओं को रोकते हुए मैं आपको चर्चा में लाना चाहता हूं। मेरा सवाल ये है कि वो कह रहे हैं मीडिया के मित्रों को भी इस बात को समझाना चाहिए बीजेपी को कि आप राष्ट्रीय अस्मिता के मुद्दों को लोकल चुनाव में ना लेकर जाएं। पहली चीज, इस मुद्दे को पाकिस्तान के लोकल चुनाव में कौन लेकर आया? दूसरी चीज प्रोफेसर राकेश सिन्हा, यह कहना कि गुजरात की जनता ने 22 साल के बाद छठी बार फिर एक ही पार्टी को चुन लिया तो उसने पाकिस्तान के मुद्दे पर चुना है, क्या यह उस जनता को बेवकूफ बताना नहीं है क्या अपने आप में? देखिए, मैं हरीश रावत जी से एक बात कहना चाहता हूं। यदि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में हरीश रावत जी जैसे सुलझे सांस्कृतिक राष्ट्रवादी, सत्यव्रत चतुर्वेदी जैसे लोग जो हाशिए पर हैं, यदि वे केंद्रीय नेतृत्व में हो तो कांग्रेस ये बहस का मुद्दा ही नहीं होगा। आज कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में उन लोगों का प्रभाव है जो पाकिस्तान के साथ उस तरह के रिश्ते रखते हैं जो भारत के हित में नहीं है। मणिशंकर अय्यर को पार्टी ने नहीं निकाला तब जब पाकिस्तान के दुनिया टीवी पर बैठकर क्या बोल रहे थे, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। मैं यहां दो बात कहना चाहता हूं कांग्रेस के संबंध में। फारूक अब्दुल्ला एनडीए में क्या थे, मैं जवाब दे दूं, आप आइएगा। फारूक अब्दुल्ला एनडीए में क्या थे क्या नहीं थे, इससे मुझे लेना देना नहीं है। फारूक अब्दुल्ला आज क्या बोल रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया इस पर डिस्कोर्स क्यों नहीं करेगी? फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया उसका इमीडिएट काम था राहुल गांधी का इसकी निंदा करना, फारूक अब्दुल्ला से सावधान करना कि आप यूपीए के हिस्सा हैं, जब तक यूपीए के हिस्सा हैं यूपीए के जो मिनिमम घोषित नीतियां हैं उसके अनुसार आप चलिए। यदि आप निंदा नहीं करते हैं तब दो मुंहा काम कर रहे हैं। एक मुंह से राहुल गांधी कह रहे हैं हम सुसभ्य और सुसंस्कृत भाषा बोलें, दूसरे मुंह से अपने एनडीए के अलायंस यूपीए के अलायंस से वो भारत विरोधी बातें कर रहे हैं। मैं तीन पॉइंट इसमें रखना चाहता हूं छोटा। पहला पॉइंट यह है कि पाकिस्तान इसलिए नहीं आता है कि हम पाकिस्तान को लाना चाहते हैं। पाकिस्तान की नीति में एक तब्दीली हुई है, हरीश रावत जी इसको ठीक से मैं बताना चाहता हूं, आप बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। पाकिस्तान ने एंटी इंडिया अप्रोच को थोड़े दिन के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया है। एंटी इंडिया की तरह की जगह एंटी मोदी एंटी हिंदुत्व वो पूरी दुनिया में प्रचारित कर रहा है कि देखिए भारत में एक धर्म विशेष का राज्य हो गया है, अल्पसंख्यक खतरे में है, हिंदू एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, तो हम में और पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान और भारत में कोई अंतर नहीं है। ऐसा कहने में पाकिस्तान को मदद किससे मिल रही है? भारत के कुछ राजनेता, कुछ मीडिया और कुछ बुद्धिजीवी जो चिल्ला रहे हैं पूरी दुनिया में कि हिंदू एक्सट्रीमिज्म का राज हो गया है, डिवाइडी पॉलिटिक्स हो गया है, नरेंद्र मोदी खास विचारधारा खास तरह की चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, फासीवादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यह पाकिस्तान के नैरेटिव को मदद करता है। यह डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान ने बड़े चालाकी से ठीक है एंटी इंडिया पोजीशन को पोस्चरिंग को एंटी आरएसएस एंटी हिंदुत्व एंटी मोदी पोस्चरिंग में तब्दील कर लिया। यदि इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे लगता है या तो जानबूझ के नहीं समझ पा रहे हैं या समझ कर भी उस नैरेटिव को मदद कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए हरीश रावत जी। राकेश जी, पहली बात तो यह है जो आपने कहा कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान का पोषण कर रहे हैं,
मैं आपके इस बयान की निंदा करता हूं। मेरी पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ नेता तक, सब उसी नीति का पोषण करते हैं जो हमारे देश की है, जो एक स्थापित नीति है, जिसको हमने आज़ादी के मूल्यों पर गढ़ने का काम किया है, जिसके लिए हमारा संविधान खड़ा है, जिसके लिए भारतीय अस्मिता खड़ी है। हम राष्ट्रीय सुरक्षा आदि के सवालों पर सरकार कौन है इस नज़रिए से नहीं देखते हैं। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर सरकार के साथ होते हैं, सरकार की मदद करते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के राजनीतिक लाभ कोई उठाने की कोशिश कर रहा हो, हमने उससे बेपरवाह हुए। हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी ने मैं मुख्यमंत्री था, क्या बयान दिया, दिग्विजय सिंह ने क्या बयान दिया, नहीं आप, आपको मैं अलग रख रहा हूं, मैंने आपको अलग रखा, आप और सत्यव्रत चतुर्वेदी जैसे लोगों को मैं अलग रखता हूं। मैं पूछ रहा हूं दिग्विजय सिंह, आप मेरी बात, आप मेरी, मणिशंकर, आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना। मैंने देखिए, ओ मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि क्या जब हम इच्छोगिल नहर तक पहुंच गए थे तब वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी? जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी? जब सियाचिन के अंदर जो है सेना की पोस्ट कायम की गई, क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी? क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी जब जो है कश्मीर गोलन हाइट्स से जो है पाकिस्तानियों को खदेड़ा गया था बोफोर्स तोप के बल पर? ये सब चीजें हैं, ये सब चीजों पर न ले जाइए, देखिए बातें बहुत लंबी चल जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बात, ये एक बार वापस आएंगे शाहनवाज हुसैन के पास। मैं एक राकेश जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पाकिस्तान का डर दिखा करके, उसके नरेशन का डर दिखा करके कि वो क्या कह रहा है, वो हमको उसमें लपेटने की कोशिश। ठीक, आप कह रहे हैं बीजेपी पाकिस्तान का डर दिखाती है, फारूक अब्दुल्ला दूसरी तरफ मोदी का डर दिखाना चाहते हैं लोगों को। ये कह रहे हैं कि अगर मोदी आएंगे तो देश टूट जाएगा, अगर इसी तरीके से बीजेपी जीतती रही तो देश टूट जाएगा। इनाम उल नबी हमारे साथ आ गए हैं। इनाम नबी डार तो नहीं आए, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं, आखिरी मोमेंट पर उन्होंने मना कर दिया कार्यक्रम में आने से। तो स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका। दंगल आप देख रहे हैं। सवाल ये कि फारूक अब्दुल्ला मोदी के नाम से क्यों डरा रहे हैं लोगों को, क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसे ही जीतती रही तो देश का अंत हो जाएगा। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें कि मानव रहित मेट्रो यानी कि ड्राइवर के दौरान चलने वाली मेट्रो के ट्रायल के दौरान एक हादसा हो गया है। यहां कालिंदी कुंज डिपो में दीवार तोड़कर यार्ड की मेट्रो का इंजन बाहर निकल गया। आपको बता दें कि यह हादसा दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर हुआ है, जिसका अभी ट्रायल चल रहा है और 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी को इस मेजेंटा लाइन का उद्घाटन करना है। तो ट्रायल रन था, ये ड्राइवर लेस मेट्रो थी जिसमें ये ट्रायल के दौरान हादसा हुआ। कालकाजी से बोटेनिकल गार्डन तक इस मेजेंटा लाइन का उद्घाटन 25 दिसंबर को होने वाला है और कालिंदी कुंज डिपो में दीवार से यह मेट्रो टकरा गई। तो इस खबर पर आपको आगे भी अपडेट्स देंगे, फिलहाल रुक करते हैं वापस दंगल की आज की बहस का। इनामुल नबी हमारे साथ हैं, हरीश रावत हमारे साथ हैं कांग्रेस से, बीजेपी से हमारे साथ हैं शाहनवाज हुसैन और प्रोफेसर राकेश सिन्हा आरएसएस के जानकार हैं। इनामुल नबी क्यों डरा रहे हैं मोदी के नाम से फारूक अब्दुल्ला, क्या फायदा होगा उनको? नहीं, आपके सवाल के जवाब से पहले मैं आपको बताऊं कि आज भी एक हमारी बहन रुबिया जान जो बटमोरन शोपियां से है, फौज के हाथों मारी गई। दो दिन पहले आसिफ इकबाल कुपवारा में मारा गया, उससे पहले मिश्रा यूनसु कुपवारा में मारी गई। मुझे बताइए आप कब तक कश्मीरियों को मारने का सिलसिला जारी मौका पाके के हाथों में न मौका पाके सेंध लगाने आते हैं या राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी बात रखने आते हैं? दंगल में हमसे कहते हैं टीवी पे हमारा नाम लिखिए, हम राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आते ही बैठ के करने लगते हैं पैरवी आतंकवादियों की। मारेगी चुन चुन कर आतंकियों को 200 मार चुकी है।
नहीं रूबी, ये रूबी रूबी जान, रूबी जान के हाथ में ना बंदूक था ना पत्थर था। अब यही इकबाल के बारे में तो मैडम, यहाँ किसके बारे में बात करने आए हैं? इकबाल के बारे में, इनामुल नबी आप यहाँ किस बारे में बात करने आए हैं? इनामुल नबी आप किस बारे में बात करने आए हैं यहाँ पर? आप किस बारे में बात करने आए हैं? आपको विषय क्या बताया गया था? आपको विषय क्या बताया गया था? नहीं, मैं कश्मीर पे जब जब बहस होती है आपको बुलाते हैं, आपको आपकी बात रखने का पूरा मौका मिलता है। यहाँ जिस विषय पे बात हो रही है उस विषय पे अगर आपको बात करनी है तो बहुत बहुत स्वागत है, नहीं तो नमस्ते मेरी तरफ से। आप चाहें तो आप उठ के जा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एजेंडा नहीं चलाएंगे आप यहाँ बैठ के, मुद्दे की बात करने आए। अगर आप बताते हैं अपने आपको पॉलिटिकल एनालिस्ट है तो पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह बात करने की हिम्मत रखिए। फिर आतंकवादियों का एजेंडा लेके मत बैठा कीजिए टीवी पर, एनालिस्ट का नकाब ओढ़ के मत बैठिए आतंकवादियों का एजेंडा लेके। करना इनका काम ही यही है, हिंदुस्तान को बदनाम करना, सरकार को बदनाम करना, फौज को बदनाम करना और पाकिस्तान की बड़ाई करना, इसीलिए ये लोग आते हैं टेलीविजन। अरे जनाब, मैडम ने कंडमनेशन किया, विचारों की मैडम ने इंक्वायरी ऑर्डर दी, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैडम के साथ तो आपकी सरकार भाई, जब ऑर्डर हो गया इंक्वायरी का, इनामुल नबी, इनामुल नबी जब इंक्वायरी का ऑर्डर हो गया, जब सरकार उसकी जाँच कर रही है, तो फिर आप कौन यहाँ झंडा बर्दारी करने आए? आपको जिस मुद्दे पे बुला उस पर बात करनी आती है आपको कीजिए, नहीं तो मैं कह रहा हूँ नमस्ते आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बैठे रहिए आधा घंटा चुपचाप, इंक्वायरी आपसे कराएं क्या? अलग से डिबेट होगी, अब इंक्वायरी भी आपसे कराएं इस पे? मारे गए हैं कितने लोग और मारे गए इस पर अलग से डिबेट। आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं अगर आपके पास उस पर बोलने को कुछ नहीं है तो आप बोल दीजिए सॉरी सर मैं गलती से आ गया और चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना एजेंडा मत चलाइए यहाँ बैठ के। उस पर भी उस पर भी नहीं उस पर ही नहीं, दिस इज नॉट द वे यू आर इनवाइटिंग, यू आर इनवाइटिंग अस टू पार्टिसिपेट। तो मैंने आपको आतंकवादियों की पैरवी करने के लिए नहीं बुलाया, उस पर बात नहीं, आपको बुलाया फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बात करने के लिए मैंने आपको, लेकिन आप यहाँ बैठ के कश्मीर की आजादी के नारे लगाएंगे और ये बताएंगे कि फौज यहाँ पर ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, ये सुनने के लिए नहीं बुलाया हमने आपको। क्या ऐलान कर देंगे पाकिस्तान के जिंदाबाद कर देंगे क्या? उसकी इजाजत दे देंगे आपको फौज को बदनाम करने की? सरकार बनी है, मैं मुद्दे पर बात सुनिए, अरे बात सुनिए, बात सुनिए जिस मुद्दे पे जनाब, जहां आप 200 मिलिटेंटों को मारने की खुशियां मना, अरे आप बात ही नहीं करने देते आप, अरे आप बात तो सुनिए, हिम्मत रखिए। जहां आप 200 मिलिटेंट्स के मारने की खुशियां मना रहे, वही 55 सिविलियंस की किलिंग्स भी हुई है वही पर। अरे सुनिए तो, वे वही कह रहे हैं वापस आप तो सुनने की हिम्मत रख लीजिए। इमरान नून नबी, आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं अगर आपके पास उस पर बात करने के लिए कोई तथ्य नहीं है, अगर आपको लगता है फारूक अब्दुल्ला के बयान पर आपके पास बात करने के लिए शब्द नहीं है, आपको नमस्ते है हमारी फोर्स। बस अगर आप फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बात कर सकते हैं तो मैं आपको समय दे सकता हूँ, अगर आपको इसी विषय पे बात करनी है जिस दिन करेंगे आपको फिर मैं बता दूंगा, उस दिन बात रखिएगा। मैंने कहा उन्होंने सही कहा है, फारूक अब्दुल्ला ने सही कहा, जब से ये सरकार आई है तब से तो यहाँ अनसर्टिनिटी बढ़ गई है, मैं तो उसी के फिगर्स दे रहा हूँ, आप तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे, आप तो क्वेश्चन बोलते हैं लेकिन जवाब सुनने की हिम्मत ही नहीं रखते। मैं तो वही कह रहा हूँ, आप देखिए कि सीज फायर वो तो डिमोनेटाइजेशन हो गया, पैसे नहीं मिल रहे, नहीं तो पत्थर बरसाते। मुझे बताइए अगर यहाँ पर, अगर यहाँ पर पोल परसेंटेज 70-80% रही, अब ये घटकर 6% क्यों रही? अब ये 6% पर क्यों? मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पोलिंग परसेंटेज 80 हो रही थी, अब आप लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, उसके जिम्मेदार कौन है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपको कह रहा हूँ आपकी वजह से हालात यहाँ खराब हो गए, फौज को बदनाम करते हैं, आपकी वजह से यहाँ हालात खराब हो गए, आप बाय इलेक्शन अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्यों नहीं कर रहे? आप बाय इलेक्शन अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्यों नहीं करते? हरीश रावत साहब, मैं आपको चर्चा में वापस ला रहा हूँ, इनकी आवाज को बंद करते हुए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपका शायद इनसे परिचय ना हो, ये लगातार बोलते रहेंगे कोई भी बोलता उस पर। अब मेरा सवाल हरीश रावत यह है कि आपके सहयोगी फारूक अब्दुल्ला और इन पाकिस्तान के पैरोकार इमरान नबी की भाषा एक ही है, इन दोनों की जुबान एक ही है, आप कहते हैं कि कश्मीर जैसे सीरियस मसले को अलग रखा जाना चाहिए, राष्ट्रीय अस्मिता के मसलों पर ऐसे बात नहीं होनी चाहिए। सर आपके सहयोगी ऐसे बात करते हैं, आप ना उनकी निंदा करते हैं ना उनसे संबंध तोड़ते हैं, उल्टे यह कहकर आप डिफेंड कर लेते हैं कि इनके साथ भी तो था, इनके साथ था तो आप भी रखे रहेंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं जी। जिसको आप बहुत सुविधापूर्वक जो है इग्नोर कर रहे हैं,
जो बात अभी कही जा रही थी करीब इससे मिलती जुलती बात जो है महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो वहाँ के वजीर आला हैं कश्मीर की जिस सरकार के अंदर भाजपा भी भागीदार है उन्होंने भी कही है और उन्होंने कहा है कि ये मारी गई हैं ये सिविलियन की जानबूझ के किलिंग है और मैं इसकी इंक्वायरी आप एक सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं खुद अपनी तरफ से फतवा दे दिया रहे ना सर और फिर कहा मैं इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर रही हूँ तो एक सेकंड मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ नहीं मैं इंक्वायरी आप समझे नहीं मैं इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करूंगा लेकिन इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करने से एक मिनट आप सुन ले पूरी बात को बड़ा नाजुक मामला है ये इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करने से पहले मैं अपनी तरफ से कोई जजमेंट नहीं दे दूंगा ये नहीं कह दूंगा कि साहब ये क्या किलिंग है तो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने करीब करीब वही बात कही जो अभी एक सज्जन कह रहे थे कौन थे मैं नहीं जानता अब आप भी किलिंग पर हमारी भाजपा के लोग ज्यादा डिबेट का मुद्दा बदल दीजिए लेकिन कांग्रेस भाजपा महबूबा मुफ्ती से क्यों नहीं कहती कि माइंड योर बिजनेस आर्मी को अपना काम करने दीजिए हमारे सैनिक अपने जान पर जान हथेली में रख करके कांग्रेस मैं आपसे कहता हूं नवाज साहब आप एक मिनट सुन लीजिए ना आप कहां से कहां को मारा नहीं जाता कांग्रेस आप कहां से कहां जंप कर रहे हैं जैसे हम महबूबा मुफ्ती साहिबा से पूछने की बात कर रहे हैं तो भाजपा जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है हुए कि नहीं हुए आप क्यों भाग रहे हैं महबूबा मुफ्ती साहिबा के बयानों के जिम्मेदारी लेने से चलिए आज डिबेट इसी पर हो जाए वो तो आज वजीर आजम है वजीर आला है आपकी मदद से है कश्मीर के वजीर आला कहता हूं चलिए अगर आप कह रहे हैं कि ये किलिंग सही नहीं हुई आप ये बताइए आप उन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस के कई बयान दिए हैं मैं उनके तीन बयानों को फर्जी मैं उनके तीन बयानों को कह सकता हूं मुकदमे चल रहे हैं उस पर बोलिए ना मैं उनके तीन बयानों को जांच से पहले मैं तीन बयानों को कोट कर सकता हूं दोनों को रोक रहा हूं सर दोनों को रोक रहा हूं आप दोनों को रोक रहा हूं सर एक बात बताइए जो आज तक से भी मेरी एक सेकंड है मेरी शाहनवाज जी मेरी हाथ जोड़ करके गुजारिश है एक करके बोलेंगे तो सुनाई देगा मेरी आज तक से भी गुजारिश है अच्छा लगता है जो महबूबा मुफ्ती साहब ने कहा करके उसको भी तो चर्चा में लाइए ना सर मेरी बात सुन लीजिए हरीश रावत जी महबूबा मुफ्ती के बयान की आज्ञा से सर महबूबा मुफ्ती के बयान फारूक अब्दुल्ला के बयान कश्मीर की स्थिति वहां पर फौज की कार्रवाई सर इन सब चीजों पे अलग अलग दिन चर्चा के बजाय जो है सर सुन लीजिए मैं कुछ और कह रहा हूँ सर नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ आप पहले बात सुनिए तरीके की अलग अलग दिनों चर्चा होती है सर लेकिन अगर आप दोनों सीजन पॉलिटिशियन बैठे हो और एक अलगाववादी आके आप दोनों को हाईजैक कर ले तो सर ये आप दोनों का फेलियर है मेरा फेलियर नहीं है सर ये आप दोनों लोगों का फेलियर है या तो आपको सूट करता है आपके एजेंडा को सूट करता है एक अलगाववादी का ये सब बोलना तो आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं कि हाँ महबूबा के सवाल पे जवाब दीजिए नहीं आप या फिर आप वापस आते हैं फारूक अब्दुल्ला की बात में लेकर भाई देश नहीं टूटता किसी के चुनाव हारने या जीतने से बोले हरीश रावत जी बोले कतई स्वीकार नहीं करते सेना आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है हम उस कार्रवाई के साथ हैं पूरा देश उस कार्रवाई के साथ है अपनी जान हथेली पर रख करके हमारे लोग हमारे बेटे हैं हमारे भाई हैं उत्तराखंड तो सबसे ज्यादा कीमत अदा कर रहा है लेकिन हमको गर्व है हम देश के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ जो है तो इसलिए आप जो है देखिए आप दूसरे के शब्दों को हमारी जवान में मत डालिए सर मैंने आप बराए मेहरबानी करके एक उसी तरीके की बात एक वजीरे आजम द्वारा वजीरे आला द्वारा कही जा रही है आप उसको अलग रख दे रहे हैं क्या है वो भाजपा को राजनीतिक एजेंडा के हिसाब से जिसको जो सूट करता है वो उधर मुड़ जाता है लेकिन राजनीतिक हितों के लिए देश के हित को ताक पर रख दिया जाए क्या बाद एक बार फिर दंगल आप देख रहे हैं आखिरी पड़ाव पर शाहनवाज हुसैन हरीश रावत साहब ने जो बातें कही आपसे जवाब की उम्मीद है उनके समय कम है लेकिन नहीं मैं हरीश रावत साहब को बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जब डिबेट में कोई ऐसा व्यक्ति अलगाववादी आ जाए और वो डिबेट को भटकाने की कोशिश करे इनकाउंटर है नहीं है बिना जानकारी के किसी ने बयान दिया तो कम से कम आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं है कि आप उस लाइन को टो करें बल्कि उसकी मजम्मत होनी चाहिए हमारी फौज कश्मीर में बहुत अच्छा काम कर रही है
फारूक अब्दुल्ला के बयान पर है कि फारूक अब्दुल्ला जिस तरह का बयान दे रहे हैं ये देश नहीं रहेगा। मुझे लगता है सख्त शब्दों में कांग्रेस को उसकी निंदा करनी चाहिए और यही अपेक्षा मुझे हरीश रावत जी पर है। ये तो बहुत सीजनड लीडर हैं, बड़े नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे बहुत अच्छे साथी हैं। इस नाते मैं इनको जानता हूं तो मैं कह सकता हूं कि ऐसी बातों की भारतीय जनता पार्टी निंदा क्यों करे, आपको भी करना चाहिए। ये देश किसी ठीक जी हरीश रावत जी आप निंदा करते हैं? शायद हरीश रावत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का समय कम था। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को भी निंदा करनी चाहिए फारूक अब्दुल्ला के बयान की। कांग्रेस का कहना है कि वो आज हमारे साथी हैं, पहले तो आपके ही साथी थे, तब आपको उनकी ये भाषा अच्छी लगती थी। जो बात हमने पहले कही थी, राजनीति में अपने हित के लिए देश के हित को कम से कम किनारे नहीं रख देना चाहिए। दंगल में आज इतना ही, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हल्ला बोल अंजना कश्यप के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।